स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा गार्डन इतना अस्त व्यस्त पड़ा है। ये इतना अस्त व्यस्त क्यों है वो मैं बता रही हूँ कि मेरे पास ये 7 साल पुराने ये स्टैंड है गमले के, जिनको आज सब मिलजुल के हम इनको रेगमाल चलाया जा रहा है इनके ऊपर। और ये देखिए, ये मेरे डबल स्टैंड्स हैं, रेगमाल चला के इनका जंगसा निकाला जा रहा है। और फिर इनको ये पेंट्स पड़े हैं, पेंट किया जा रहा है। ये देखिए, और मेरे सारे गमले स्टैंड से उतार के रखो मैं, ये देखिए। और ये सब काम मेरा जारी है। कुछ गमला स्टैंड्स पेंट कर लिए हैं वाइट कलर के, ये देखिए। और जब भी आप कोई अपने घर में काम करते हैं, वैसे मिलजुल के करने का मज़ा ही और है। ये नीचे अखबार ज़रूर बिछा लें, क्योंकि फ़र्श के ऊपर इसके पेंट के निशान पड़ जाते हैं जो निकालने मुश्किल हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप पेंट करवा के भी लाते हैं तो इनके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है 1-2 साल के बाद। इनको रेगमाल से पहले साफ़ करके फिर इस तरह कुछ और पेंट करके रखे हैं। ये थोड़ा धूप में रखे हैं ताकि ये सूख जाएं। और फिर इनको सारा, और नीचे ये इस तरह से नीचे फर्श भी ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए ये मैंने नीचे एक लिक्विड आता है उसको मैंने डाला है नीचे। ये देखिए, इस तरह से मेरा अब 2-3 काम इकट्ठे हो जाएंगे। एक तो फर्श नीचे साफ हो जाएंगे, और गमले पेंट हो जाएंगे। इस तरह सा गली में एक बंदा घूमता है, वो इस तरह की बड़ी बड़ी 5 लीटर की बॉटल्स में ग्रीन और रेड लिक्विड बेचता है, वो 150-150 रुपये की एक बॉटल, उसको मिक्स करके डालने से इस तरह एक फर्श मार्बल वाले क्लियर हो जाते हैं। और दूसरा ये मेरे गमला स्टैंड पेंट हो जाएंगे। जब पेंट होंगे तो इन सबको फिर से अरेंज किया जाएगा। हम सब लोग मिलजुल के ये काम कर रहे हैं, सबको लगा रखा है मैंने, कभी कभी हाथ में आते हैं। मैंने भी मास्क लगाया हुआ है ताकि वो जो इसमें से रेगमाल चढ़ाते हुए डस्ट उड़ती है वो मुंह में ना जाए। आप भी ये काम अगर अपने घर में खुद करते हैं तो देखिए कितना मज़ा आता है। तो ये सब मैं आपको, मेरा संडे अपडेट है, आप ये सब अरेंज करके फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। थैंक यू।